हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी तड़का मसाला। तो आज मैं आपको होटल रेस्टोरेंट स्टाइल चना मसाला बनाने की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बताऊंगा फ्रेंड्स। और इस तरीके से आप चना मसाला अपने घर पे अपने रेस्टोरेंट में बनाओगे फ्रेंड्स, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और कुछ ऐसे होटल वाले टिप्स बताऊंगा फ्रेंड्स, जिससे आप होटल वाला टेस्ट अपने घर पर ला सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बड़ा वाला काबुली चना लिया है, जिसको मैंने रात को भिगो के बिल्कुल अच्छी तरीके से रख दिए थे। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल चुका है फ्रेंड्स। तो हमें ग्रेवी बनाने के लिए लगेंगे चॉप प्याज, और हमें लगेंगे ग्रीन चिली, जिसको हमने एक का दो काट के रख दिए फ्रेंड्स। और हमें लगेंगे फ्रेश प्यूरी टोमेटो की, और हमें लगेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हम सबसे पहले चनों को बिल्कुल अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे फ्रेंड्स। हमने इसको रात भर भिगो के बिल्कुल अच्छी तरीके से फुलाने रख दिए थे फ्रेंड्स। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल चुका है, तो हम इसको अभी अच्छे से बॉईल कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए, तो आप पानी का यूज़ आपको ज़्यादा नहीं करना है फ्रेंड्स, बिल्कुल चनों को ऊपर तक ही पानी चाहिए। देखिए इसी प्रकार से, और चनों को बिल्कुल दो ही सीटी देना है फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं। दो सीटी में आपके चने बिल्कुल अच्छी तरीके से पक जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे चना बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक गंजी लिया, तो हमने गैस को बिल्कुल मीडियम टू लो पे बिल्कुल ऑन करके रख दिए थे फ्रेंड्स। इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे कुकिंग ऑयल। देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चने बिल्कुल काफ़ी अच्छे तरीके से बॉईल हो चुके हैं। तो जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल बिल्कुल अच्छे से हीट हो जाए, हम इसमें अंदर ऐड कर लेंगे तेजपान और हुल जीरा। और जीरे को बिल्कुल अच्छे से तिड़कने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे चॉप प्याज, और चॉप प्याज को बिल्कुल अच्छे से गोल्डन टू ब्राउन होने तक अच्छे से पकने देंगे फ्रेंड्स। तो चॉप प्याज की जगह फ्रेंड्स, आप प्याज का पेस्ट भी ले सकते हो। देखिए, पेस्ट लेने से फ्रेंड्स आपकी ग्रेवी काफ़ी थिक बनेंगी फ्रेंड्स, और उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आएगा। बट आज हम कुछ अलग अलग तरीके से बनाने वाले हैं फ्रेंड्स, इसको आप घर पे भी बना सकते हो। तो देखिए, हमारे प्याज जैसे ही पक जाएंगे, हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। देखिए, उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे कस्तूरी मेथी। तो देखिए फ्रेंड्स, अदरक लहसुन का पेस्ट पकने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे देगी मिर्च पाउडर, और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, और ऐड कर लेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। देखिए, और हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा पानी, जिससे हमारे मसाले है वो जलना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे टोमेटो प्यूरी। तो आप टोमेटो प्यूरी की जगह चॉप टोमेटो का भी यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। तो देखिए, देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी को थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे हरी मिर्च। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने हरी मिर्च को इस प्रकार से काट के रख दिए थे फ्रेंड्स। एक हरी मिर्च को आपको दो भाग कर लेना है, उस प्रकार से डालना है, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए, ये हमारी ग्रेवी बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी ग्रेवी बन चुकी है, और काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। इसके बाद हम इसमें और थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। देखिए, इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे बॉयल चना। देखिए, तो चना फ्रेंड्स हमारा आधा केजी से लगभग है। देखिए, और बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमारे ग्रेवी में सारे जो मसाले हैं बिल्कुल चने के अंदर तक अच्छे से चले जाए। देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए, देखिए फ्रेंड्स, हमारे चने मसाले में काफ़ी अच्छी तरीके से क्वालिटी आ चुकी है। देखिए, दिखने में भी बहुत ही अच्छा तरीके से दिख रहा है फ्रेंड्स, और उसकी थिकनेस देखिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है, उसका कलर देखिए। तो आप भी इस प्रकार से बना सकते हो फ्रेंड्स, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। देखिए, दो मिनट तक हमको चने को बिल्कुल अच्छे तरीके से पका लेना है। देखिए, और बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चना मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, तो हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। देखिए, तो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।